नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। जिस महंगाई के शोर की बदौलत 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, आज बीजेपी की मोदी सरकार में महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रख दी है। अभी पिछले दिनों ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 105 रुपये बढ़ने के बाद कीमत 2355 रुपये के करीब हो गई, तो अब घरेलू सिलेंडर पर भी जनता को 50 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। शनिवार को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। कीमतों में वृद्धि के बाद दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 999 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी के साथ साथ एलपीजी गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब ढीली करने का काम किया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़े हैं, जो 7 मई से प्रभावी भी हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर पर बड़े दामों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि भाजपा मालामाल, जनता बेहाल। भाजपा राज में सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 2.5 गुना अधिक हो चुका है। रसोई गैस अब मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की पहुंच से बाहर हो चुकी है। मई 2014 में सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 414 रुपये थी, जो आज 999 रुपये 50 पैसे हो चुकी है, यानी इसमें 585 रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत को 2014 के स्तर पर लाया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर और सब्जियों के समक्ष अगरबत्ती जलाकर महंगाई को लेकर सरकार पर तंज कसा। उनका कहना था कि यह सिलेंडर की श्रद्धांजलि सभा है। खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, विदेश दौरे से वापस आते ही साहब यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी। कभी मोदी जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर कहा था कि सब्सिडी को सरेंडर करिए। आज यह हालत देख कर लगता है कि सिलेंडर को ही सरेंडर कर दिया जाए। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने एलपीजी पर वर्ष 2013-14 में 46,458 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने 2015-16 में घटाकर यह सब्सिडी 18 करोड़ रुपए कर दी और 2016-17 में इसे शून्य कर दिया। खेड़ा ने आगे कहा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जिन 23 करोड़ लोगों को यूपीए सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, वे 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए और इसमें 14 करोड़ लोग और बढ़ गए हैं। ऐसे में सरकार के पास बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन इस सरकार के पास दिल ही नहीं है। महंगाई के कारण जिस प्रकार से बीजेपी राज में खाने पीने से लेकर जरूरत की हर चीजें आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि विभिन्न प्रोपोगेंडा के तहत आम जनता को इसका एहसास भी नहीं होने दिया जा रहा है। कई वक्त ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि चाहे पेट्रोल 2000 रुपये प्रति लीटर के पार क्यों ना हो जाए, आएंगे तो मोदी। साथ ही आपको बता दें, वैसे उन भक्तों की बात भी सही है, उन्हें फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि यह सोचने वाली बात है कि महंगाई का असर केवल गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों पर ही ज्यादा पड़ता है, उन्हें ही इसकी पीड़ा झेलनी पड़ती है। पैसे वाला तो दिन प्रतिदिन और ज्यादा पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ रही है। गरीबी हटाने के नाम पर लग रहा है कि मानो गरीबों को ही हटाया जा रहा हो। साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से महंगाई के नाम पर कांग्रेस को घेरकर बीजेपी सत्ता में काबिज हुई, क्या अब कांग्रेस महंगाई के नाम पर बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी, ये समझ से परे है। क्योंकि कोई व्यक्ति जिस वस्तु का निर्माता होता है, वह उसे तोड़ने में बहुत ही माहिर होता है। इसी का परिणाम है कि देश में चारों तरफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और आम जनता को मुद्दों से भटकाया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच चल रहा यह खेल कब समाप्त होगा, इसका भी कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस को घेरकर सत्ता में आती है और कांग्रेस बीजेपी को घेरकर सत्ता में काबिज होने के ख्वाब देखती है, लेकिन बेवकूफ तो सिर्फ भारत देश की जनता है जो इन दोनों के बीच में विकल्प तलाशती है। जनता कभी आगे बीजेपी कांग्रेस से उठकर अपनी सोच, अपनी रणनीति क्यों नहीं बनाती है, इस पर विचार होना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज़।